Hey, yo, fellas, welcome back. Sabhi ko hello. Good evening. Shubhu is back. The full-time streamer is back. वीकेंड पास में है उसकी खुशी में एक और लाइव स्ट्रीम आज सभी को हेलो हम लोग डीएलसी बॉसेस में घुसने वाले हैं मेरे पास ब्लड वाइल्स नहीं है एक सेकंड मैं वापस जाऊं पहले किसी ने मेरे को बताया मेरे पास बहुत सारी इनसाइट्स हैं एंड उसका और कोई फायदा है नहीं हम बस वो बड़े मॉन्स्टर्स को देख पाते हैं तो आई गेस मेरे को खरीद लेना चाहिए कुछ एक सेकंड ओह अभी आंख में लग जाती है चम्मच मुझे बस ये कॉफी खत्म करने दो बहुत गर्म है गला जल गया ये कौन सी गेम है ब्रो यू आर अ लिटिल लेट इस गेम का नाम ब्लडबॉर्न है इसमें टफ बॉसेस से फाइट होती है हमारी एंड वी आर अबाउट टू एंड दिस गेम कॉफी इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस नहीं कॉफी इज इक्वल्स टू एनर्जी कॉफी इज इक्वल्स टू लेस स्लीपी फेस Yes, I sure like coffee and Bloodborne. Not gonna lie, coffee मैंने अभी 15 दिन में पीना शुरू किया है and I am kind of addictive. ये बहुत सही चीज़ है इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती है ये लिटरली एज अ स्ट्रीमर मुझे जितनी एनर्जी चाहिए हर स्ट्रीम से पहले सो इट इज नाइस ऑलराइट शुरू करते हैं सॉरी बर्फ था वो मैं नहीं चाहता तुम लोग डिसगस्टेड हो जाओ क्योंकि पर्सनली मुझे भी वो सब देखना पसंद नहीं है बट यू नो इन लाइव स्ट्रीम्स ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैं एडिटिंग नहीं कर सकता तो आई विल हाइड माई फेस होप यू गाइस आर रेडी क्योंकि मज़ा आने वाला है मेरे पास 95 इनसाइट है पहले हम ऊपर चलते हैं दूसरी वाली शॉप पर आई गेस दूसरी साइड है वो तो एक और शॉप है यहाँ पे जहाँ पे मैं इनसाइट यूज़ करके चीज़ें खरीद सकता हूँ वो वाली ओह मिडिल डोर से एक्सेस है मुझे पता नहीं था मैं पहली बार देख रहा हूँ ये शॉप बाय विद इनसाइट वेल ये चीज़ बट अच्छी है रिंग द बेल टू हेल्प हंटर्स ना ओह मैं कुछ भी बाय कर सकता हूँ डैम 60 ब्रो 60 90 फिजिकल डिफेंस ये वो फादर वाला है ले लूं इसे इसका बहुत अच्छा सेट है यार एक मिनट इससे बढ़िया कौन वो 100 मैं कंपेयर नहीं कर सकता इसका भी 100 है एशन हंटर सही बताऊं तो इसका ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे या ये डेफिनेटली बढ़िया लग रहा है ये ले रहा हूं मैं
ओके ग्लव्स किसके अच्छे हैं? 40 50 इसी का ही सब अच्छा लग रहा है मेरे को तो। ओके कैप देखते हैं जरा 50 40 50 40 40 50 50 40 40 बात तो वही पड़ गई। आई मीन इसका पॉइजन के अगेंस्ट बढ़िया है, इसका फ्रेंजी के अगेंस्ट बढ़िया है, तो डिपेंड करता है तुम्हें क्या चाहिए। इसकी कैप है, इसका ये है एंड इसकी ये है। ये मास्क सा ले लें पर वो ब्लैक पे अच्छा नहीं लगेगा ना, ये ले लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये बोल्ड पेपर वगैरह भी ले सकता हूँ, वो चीज़ अच्छी है। एक्चुअली यार ब्लड रॉक है कहाँ पे देखें? आई मीन मेरी वेपन फुल वो हो जाएगी। कोई लिफ्ट के पास बता रहा था पर मैं भूल गया। लेट मी सी, मेरे को ये ब्लड रॉक मिल जाए तो अच्छा है। ऑल्सो टाइम, अरे कोई लोकेशन बता दो बस। नाइटमेयर ऑफ मेंसिस पे मिल जाएगा मुझे। नाइटमेयर ऑफ मेंसिस देखते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ बट 60 इज वे टू मच यार। इससे बढ़िया तो मैं पेपर्स वगैरह ले लूँगा। ओके 10 ये ले लेते हैं, 10 ये। अभी भी 69 बचा है। इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक्चुअली पता है क्या, मुझे ले ही लेना था। मेरे पास और मैडमैन नॉलेज है क्या? और हील यूज कर ली मैंने, बहुत बढ़िया। नहीं एक मिनट, पहले तो भाई वो लगाते हैं, वो बहुत अच्छा है। कहाँ पे है वो बंदा? ये रहा। वेल इससे बेटर भी है मेरे पास, डैम। ओ वाह, मैं भी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट 3 इनसाइट ही तो था, इतना कोई महंगा थोड़ी है। अरे वाह यार, ये तो उससे भी बढ़िया लग रहा है। जो मैंने पहना हुआ था वो ऑलरेडी उससे बढ़िया था। मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? खैर इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, इनसाइट आता जाता रहता है। आए लुक देखो, वर शाइन मार रहा हूं मैं। इससे बढ़िया तो फायर एंड बोल्ड पेपर वगैरह ले लेने चाहिए। एक मिनट, नाइटमेयर ऑफ मेंसिस कहाँ पे है? ये खुला होगा मेरा, आई एम श्योर। ये सो यहाँ पे कोई बोल रहा था, आई थिंक ये वही जगह है जहाँ पे वो लिफ्ट्स हैं। ओह सो मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये फ्रेंजी वाला एरिया है। ओके यहाँ पे कहीं है और मुझे देखना है कहाँ पे। ब्लड रॉक मिल जाता तो हमारा वेपन जो है वो फुली अपग्रेड हो जाएगा।
जो कि बहुत अच्छी बात होगी। कहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे चंक है। ओ वे, ड्रॉप तो नहीं होगा वो किसी से? कहाँ अटक गया मैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे जो स्पाइडर वगैरह आती है वो ड्रॉप करेगी, ये वाली? टफ है यार ये पार्ट थोड़ा सा। फक, फायर से ही मारना पड़ेगा मेरे को इन स्पाइडर्स को। तो आई एम होपिंग मुझे मिल जाए। और कहीं तो सीन दिख नहीं रहा। ओह मे बी उधर। चंक मिल रहा है बस। अबे यार, what the fuck is this place? Fuck it, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे है ये भैंस की। लोकेशन भी इतनी घटिया तरीके से दिखाई हुई है भाई, लिख दिया बस। मुझे मिलना चाहिए था ये तो भाई, ये एरिया नहीं है वो। मैं तो खामखा परेशान हो रहा हूं। मर्गोज लॉफ्ट में तो वहां तो था ही नहीं वो। व्हाट, अगर क्लियरली विजिबल है वो तो मैंने तो उठा लिया होना था वो। कितनी सारी लोकेशंस हैं और भाई कहां है ये? ये अच्छा, ओ गॉड, इसमें लिखा हुआ है मिडल भाई। आई एम द डम्ब वन हियर। प्ले ह्यूमन फॉल फ्लैट पीएलजी एंड आल्सो जीटीए वाइस सिटी मिशंस पीएलजी। ओके ब्रो, श्योर लपेट देंगे उसे भी कभी ना कभी। ओके वेयर इज दिस एरिया भाई? यहाँ कहीं दिखा रहे हैं, बोल्ड तो रहे हैं। वहां पे तो नहीं। ओ या, यहीं पे तो बता रहा था कोई जना मेरे को। वेट, मेरे को लिफ्ट के आसपास कूदना है कहीं।
मुझे मुझे कोई लोकेशन नहीं दिखी कूदने वाली. What am I missing? Okay, maybe ये वाली लिफ्ट नहीं है वो. Maybe ये वाली लिफ्ट है वो. Oh, बच गया. Oh, वो एरिया आई थिंक. या बहुत ऊंची है ये लिफ्ट. मिल गया बॉयज में. और किसी को इंटरेस्ट नहीं है. हाँ तुम लोग स्पैम में बिजी हो. कोई खुशी नहीं बांटना चाहता. श्योर इसीलिए ये गेट भी टूटा हुआ है. कितने स्मार्ट तरीके से बना रखी है. ओके यहाँ पे कूदना है हमें. बढ़िया भाई दिखे तो सही. कैसा कैमरा एंगल था. दिखे तो सही मैं कहाँ हूं. अब मेरे को नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट नीचे जा चुकी है. नो वन सॉ दैट. थैंक यू भाई. बढ़िया तुम लोग सही बंदे हो. ओके कौन सा था वो पता नहीं. लॉफ्ट बेस. ये लाइक एंगल ही इतना अजीब था. वो डेफिनेटली स्केल इशू नहीं था वहाँ पे कोई भी. वो एंगल की बात थी भाई. वो गेम का फॉल्ट था. वो लिटरली मेरा तो फॉल्ट ही नहीं है उसमें. हो ही नहीं सकता ऐसा. ओके पहले ये वाली. ये मेरे को मिडल तक लेके जाएगी. एंड देन व्हाट ये वाली. आ रही आ रही है. आती होगी. या थैंक यू. यही थी ना वो. आई डोंट थिंक ये थी वो. यही थी. नाइस. ओके कहाँ पे है मेरा ब्लड रॉक भाई. प्लीज ब्लड रॉक. इन्फ्लिक्टेड ऑर्गन है ये तो. वेयर इज माई ब्लड. ओ ये तो फ्रेंजी देते हैं ये लोग तो. ध्यान से. आई थिंक एंड में जाके मिलेगा मेरे को. बढ़िया उधर देख तू. उधर देख कहाँ है मेरा ब्लड रॉक यार. मुझे बस वो दे दो तुम. बढ़िया. ओ गॉड यार ये क्या प्लेस है. एक ब्लड रॉक लिए इतना तड़पाओगे तुम. फ्रेंजी अभी भी बढ़ रही है. फक मैं वो पीने वाला था पर वो एनिमेशन ही नहीं हुई उसकी. शिट. वेट अब वो है ही नहीं. पर यहाँ पे आई थिंक वो है यार. आई थिंक वही प्लेस है. आई एम प्रिटी श्योर वही प्लेस है. इसमें भी वैसे गेम की गलती है सही बताऊँ तो. यार इतने मैनी में क्यों धर रखे हैं वहाँ पे भाई. एक रॉक ही तो उठानी है मुझे. एक पत्थर के लिए इतना तड़पा रहे हैं ये लोग. इस बार मैं उस एनिमी को मार दूंगा. सेडेटिव यूज करने का भी टाइम नहीं मिला.
अच्छा, चिकागे रिवर ऑफ ब्लड की तरह है क्या? ब्लड लॉस है उसमें भी। ऑल राइट, इस बार मैं पंगे नहीं दूंगा। बहुत ध्यान नाल, तमीज नाल मारते हुए उसे। पर वो सेडेटिव भी तो दे देते हो, लाइक ओह माय गॉड, मैं कितना डंब हूँ। फ्रेंजी, ऊपर से फ्रेंजी, ऊपर से फ्रेंजी। माय गॉड, ये बंदे क्या हैं भाई। व्हाट द ओके ब्रो, ये क्या एनिमीज हैं? अब मैं सेडेटिव कब यूज करूं फिर भाई साहब? 11,000 दिया उसने। ओ गॉड, ये तो बढ़िया था। आई मीन स्टिल इतना बढ़िया नहीं। ये है फक। अब आगे तो दो हैं और उनसे कैसे लड़ेंगे? शाइन मार गया वो। और अभी बढ़ने ही लग रहा है। व्हाट इज द व्हाट द फक। सेडेटिव यूज करना ही पड़ेगा मेरे को उसके लिए। दो लिटरली दो हीलिंग वो हैं मेरे पास बस। छुप छुप के जाना पॉसिबल भी है यहाँ पे? व्हाट द यार, ये तो भाई बहुत ही बेकार है। ये तो बहुत ही बेकार एनिमी है। वो देख ही लेता है मेरे को। इधर ही आ रहा है वो। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। हाउ पीछे से नहीं कर सकता फिर वो? कर्ज्ड कुछ मिल गया, बढ़िया। यार भाई ये पागल, पर कहां से कैसे पता चल रहा है उसे? ओके, हाउ द फ्रिक मैं इससे बच के जाऊं? भाग जाऊं क्या? बस मैं भाग रहा हूं। फक इट, फक यू। ओ भाई साहब, स्पाइडर देखो भाई। ये मेरे को पत्थर मिलेगा मेरा कहां पे है? लाइक व्हाट द हेल, इधर। अरे गिव मी माय पत्थर यार। एक लिवर आ गया ये तो। वाओ, ये तो भाई बिल्कुल लाइक अलग ही लेवल है। ये तो सेपरेट पार्ट चालू है पूरा। हाँ अबे, ये तो व्हाट, ये तो बॉस बूज है। तो मुझे वो वहां से जाना है। ये तो सिनेरियो ही डिफरेंट सा हो गया भाई। और मेरे पास तो, मेरे पास इतनी हेल्थ भी नहीं है कि मैं ये ड्रॉप ले सकूं। आई एम प्रिटी श्योर मैं मर जाऊंगा ये ड्रॉप लेते ही। ओह ओके, सेफ। ओ भाई कैसे यार, यहाँ पे वो और है यहाँ पे। मुझे उस चेस्ट में खोल के देखना है पर क्या है उस चेस्ट में। और एक बार होने लग जाए तो होती रहती है फिर, लाइक क्यों?
ले मेरे सेडेटिव्स खत्म। ओह व्हाट द फक, मेरे को सही आ रहा समझ में, फक इट। मैंने, ये तो बहुत घटिया जगह है भाई, ये तो फ्रेंजी फ्रुंजी क्या है भैंस की। ये गेम ही की तो गलती है, इतनी फ्रेंजी फ्रुंजी का क्या सीन है, कोई सेंस बनाती है ये बात? अब फिर से बचते बचाते जाओ, सेडेटिव एक भी नहीं है मेरे पास, वो फ्रेंजी करके इतना डैमेज करेगी मेरे को। अबे भाई वो बॉल सी पता नहीं क्या आ गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक वो इनका वो है पापा पूपा, उसे मारूंगा तो ये सब मर जाएंगे, ये फ्रेंजी खत्म हो जाएगी बेसिकली। मे भी वो मेरे पास ब्लड भी नहीं है और मेरा पैसा पूरा नीचे पड़ा है, मैं तो बेकार जा रहा हूँ वहां तक। ब्लू एलिक्सर है मेरे पास, ओके एक है, ऑल राइट भाग जाऊंगा मैं गंदे तरीके से। अरे ब्लू एलिक्सर का भी कुछ नहीं होता यार, वो देख ही लेते हैं, बट इस बार यूज तो करेंगे ही ऑब्वियसली। होपफुली मैं अपनी जगह तक वापस पहुंच जाऊं। मैं ब्लड रॉक लेने आया था, ये क्या है, पूरा एनिमी वेनिमी है यहाँ पे, पर भाई पैसा बहुत दिया उन्होंने, 11,000 लिटरली। What the fuck? सही में what the fuck? भाई वो बढ़ती तो रहती है, कितना दूर जाऊं मुझे नहीं आ रहा समझ में, ये क्या पॉइंट बना इस चीज का। ब्लू एलिक्सर को अपने पिछवाड़े में डाल लूं मैं, क्या फायदा हुआ उस ब्लू एलिक्सर का मुझे कोई बताओ, टेल मी क्या फायदा क्या हुआ उस ब्लू एलिक्सर का, क्यों पीऊं मैं ब्लू? अभी भी बढ़ रही है वो, what the fuck is this fucking game भाई, ये क्या बात हुई, क्या फायदा उस ब्लू एलिक्सर का मुझे कोई बताओ, लिटरली क्या फायदा। अरे टॉर्च अनलाइट से भी नहीं होता, मैं ट्राई कर चुका हूं, ये ब्लू एलिक्सर घटिया है एकदम, पैस स्कैम है इस ब्लड बॉर्न गेम का, ये मेरे जैसे अच्छे बच्चों को स्कैम करने के लिए ब्लू एलिक्सर बेच रहे हैं बस। ओह फक, मैं फिर से ऊपर आ गया, पैसा तो है ही नहीं, पर पैसा भी तो मेरे पास ये था। चलो यार, देर इज नो वे, उनको कैसे मारूं मैं विदाउट वो फ्रेंजी शिट, इतनी ज्यादा हेल्थ है उनकी। एक तो ये इतनी ऊंची है, इट वर्क्स ओनली वेन यू आर स्टिल, देन वॉट द फक इज द पॉइंट, स्टिल खड़ा रहने के लिए मेरे को ब्लू लाइट की जरूरत नहीं। दर्द हो रहा है, अभी तो स्ट्रीम शुरू ही हुई है और दर्द हो रहा है। फक यार, मैं गड़बड़ करता हूं, मेरे को नहीं पता था ब्लड रॉक लेना इतना मुश्किल है, वरना तो मैं वहां खरीद लेता भैंस की 60 इनसाइड दे के, इतनी भी कोई आफत ना आ रही। ऑल राइट फक द ब्लड रॉक, मैं जा रहा हूं यहां से, हो गया बस मेरा। ब्लड रॉक हम दोबारा खरीद सकते हैं वैसे, 44 इनसाइट है मेरे पास अगर नाइटमेयर हंटर में मिलती है तो, हंटर्स नाइटमेयर में आई मीन, ये डीएलसी में अगर मिलती है तो।
काम एंड रीजनेबल पर्सन ही हूँ मैं, लेकिन ऐसे बुलशिट नहीं होनी चाहिए चीज़ें। भैंस की कोई बात हुई? वो ऑक्टोपस सा ले रखा है उन्होंने सर पे, फ्रेंजी फ्रुंजी दे दो दूर दूर से। मैजिशियन से भी नमक हराम बंदे हैं वो लोग। ये डोर लॉक है ना? ये आई थिंक शॉर्टकट होगा, पीछे से खुलेगा। लेट्स गो। द प्रॉब्लम इस जगह की भी, एक तो मेरे पास भाई हीलिंग नहीं है। शिट, मैं भूल जाता हूँ बार बार वो हील्स चाहिए। मैंने कितनी हील्स खरीदी थी, वो खा गया वो कमीना। वो एक घटिया सा बॉस आया था एकदम ईजी सा, लेकिन फिर भी हील्स ले गया मेरी सारी। अब इससे लड़ने के लिए हील्स नहीं मेरे पास। क्रॉस करूँगा तो भी मार देगा वो मुझे। बुलेट्स वेस्ट करने का मन नहीं करता। शुक्रिया मेरे भाई, आई लव यू मेरे भाई। और यहाँ पे तो कुछ नहीं था, आई एम प्रिटी श्योर। तो मेरे को उधर जाना है, वहीं पे है जो भी जुगाड़ है, लेकिन वहाँ भाई बहुत टफ जगह है। ये पीट दें यहाँ तो गंदा ही। पहले तो वो एसोल दो डॉगी आएंगे। अरे यार इनकी माँ की, वो नीचे गिर गया, ये भी सही है। वो उनको मार रहे हैं, नाइस। लड़ो लड़ो, हाँ मार मार मार। डिजर्व्ड डिजर्व्ड, ये कुत्ते का पिल्ले डिजर्व्ड। सही है भैंस की, कुत्तों को मारो, आई लाइक इट। ओ माय गॉड भाई, तेरे को देखा भी नहीं मैंने। ब्रो व्हाट द फक। अरे यार मैं, घटिया वेपन ले रखा है तूने। अबे यार चेंज मत कर उसे, मार मेरे को। असली में मत मारियो, बस एक्टिंग कर। हाँ फक, मेरे को लगा पैरी हो गया वो। फक, अबे मैं नीचे नहीं जाना चाह रहा। हाँ तू जा नीचे, जा नीचे। मेरे को प्लीज वायल दे दे, थैंक यू। अब मैं ऊपर चढ़ जाऊं प्लीज। फक, नीचे बीस्ट है यार। एक तो ये 20 लोग इतने कमजोर हैं कि हंटर्स को मार नहीं पाते। वो खड़ा हुआ है बेवकूफ हंटर, वो मेरे को पीटेगा। मतलब उस हंटर से इतना डर रहे हैं, और मेरे पास टॉर्च हो ना तो भी मेरे सर पे चढ़ जाएंगे ये लोग। बेवकूफ मत कर और अटैक, उस पे अटैक नहीं करेंगे, और मेरी छाती पे कूदने के लिए तैयार। दम लोग, मेरे को हंटर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अरे आज्ञा को होले, उसे जाके मार ना। हाँ अब कहाँ जाएगा, अब तो फंस गए तम। अबे हंटर तू देख क्यों नहीं रहा है, उसे मार। हाँ सही है, भागो, निकल लो बस। ओ माय गॉड डॉगीज, मारो भाई सबको मारो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या यहाँ पे कोई शॉर्टकट है? प्लीज टेल मी। लग तो नहीं रहा।
6। भाई साहब मजा आ गया। यहाँ पे तो पूरी केव जा रही है। भाई साहब ये तो पूरा डिफरेंट है। अरे वाह, डरा दिया मुझे उसने, दूसरी वाली ने। उधर सेफ, इजी क्लच। ओ गॉड, एक और हंटर है ये? नहीं, ये तो वही ड्रामा है, डर क्यों रहा हूं इससे यार। भाई फक, अबे भाई कंट्रोल ही ना होता है। ऑल राइट, मैं रेज कर रहा हूँ भाई, मैं भूल गया था नो रेज वाला सिलसिला जा रही है। अरे यार कितनी मेस्ड अप प्लेस है ये। डीएलसीज एक्चुअल में टफ बनाते हैं ये। एक हंटर भी आ रहा दिख है। ओह टाइम बॉम्ब्स हाँ, अपने आसपास फोड़ोगे? मैं किस पे स्टेप कर रहा हूं? भाई ये गन्स और ये पता है धमाके से हो रहे हैं आसपास। वन वी वन फाइट्स नहीं मिल रही ना मेरे को, बात ये है भैंस की। चार जने ऊपर चढ़ रहे हैं मेरे। अब बताओ यार यहां से निकलो हर बार पिट पुटा के जैसे तैसे। अभी भागो। नाइस, डॉगीज अनोइंग है थोड़े से। ओके शॉर्टकट, लेट्स गो। अब डॉगीज मर जाएंगे जैसे ही वो छोड़ेगा। ओके मैं यहां से राइट गया था बिकॉज मुझे मेरा मनी चाहिए। तो आई एम श्योर जो वो ऊपर चिल्ला रहा है ना वहीं जाना है मुझे। ओके जब वो उससे हट जाएगा तो ये गोलियां चलाना बंद कर देंगे। मुझे पता नहीं था इस टाइम ये। हाँ सही है, बेवकूफ, इतना डंब है तू। अब वो उस पे खड़ा है। मैंने तोड़ भी सकता हूँ, मेरे को तोड़ देना चाहिए था लास्ट टाइम भी। ओके आई मीन मैं उन दोनों को रश कर जाऊं ना जो यहाँ पे खड़े रहते हैं, ये वाले, ये बंदे, क्योंकि टाइम बॉम्ब्स फेंकते हैं ना।
बस अभी से आन दो, इसे तो मैं हरा दूंगा, बस मेरे को टाइम चाहिए थोड़ा सा हराने को तो। अरे यार दूसरा भी आ रहा ना वो। थैंक यू, मेरे को ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे नहीं पता था। फक, मैं भूल गया था मेरा वो हील हो जाएगा। तू तो आ जा। व्हाट भाई ये क्या कॉम्बो मार रहा है ये लड़का भी। मैं इसके टुच्चू मुच्चू आदमी भी कॉम्बो मार रहे, बताओ। और ओके ये तो बावला है। ओ ये तो वो एनिमीज हैं, टफ है डीएलसी। अंधेरा और दे दो। डिलेड मॉल्टोव यही तो चला रहा था वो। हंटर भी है क्या इसमें? बूम हैमर, ये क्या गेम है भाई। ट्रोल कर रहे हैं भाई। ये मैं ये करना चाह रहा था तो क्या होगा इससे। वो ओके एक ही अटैक के लिए है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। जस्ट चेकिंग की यहाँ पे और कुछ तो नहीं है। हम नीचे आए थे ना। हाँ। ओके दोनों साइड गेट हैं यहाँ। ओह गॉड नहीं, उधर जाते हैं पहले। ये वही है स्टार्टिंग का पार्ट, पर पता नहीं चेंज है थोड़ा सा। बीस्ट ओके बहुत बढ़िया। लाइक व्हाट इज द पॉइंट मेरे पैरी का। आई डोंट थिंक वो पैरी होगा। व्हाट द हेल भाई, अब ऐसे कब करूं मैं वो। कितनी हेल्थ है उसकी बॉस भाई। ऐसे एनिमी से ब्लड रॉक मिलना चाहिए। क्या हो रहा है ये,
बढ़िया। कितना उछलता है, उसने बेट किया मुझे। शिट, मेरे को फास्ट अटैक चाहिए। कैसा लग रहा है फंस के? फक, मैं अटक गया था यार। मेरी तरफ हट जाता है वो भी। ओ गॉड, नहीं 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 नहीं, क्या हो गया उसे? आई डोंट नो बट फ्री। उससे व्हाट द फक, अरे लूट तो दो। 50 HP खा गया वो मेरी। रैंडम ऐस बंदा है, 50 HP खा रहा है, लूट मिल नहीं रही उससे। 6000 रुपए दान कर दिए बस। अबे इससे ज्यादा तो वो फ्रेंजी वाली दे रही थी भाई। बड़ी पनिशिंग है यार ये DLC तो। एंड यहां पे कुछ है भी नहीं, कंटिन्यूएशन तो है ही नहीं। मैं खामा खा आया इतनी दूर, लिटरली नथिंग। मेन रास्ता वो है, ये ब्लड कुछ देता होगा? नहीं, पर इतने सारे एनिमीज। यहां के लिए मैं रेडी भी हूं। कितने सार भाई साहब, ये जगह तो भरी पड़ी है। एंड वो शूट करने लगा ऑब्वियसली। हंटर्स हैं वो लोग, दबा के बुलेट शूट कर रहे हैं। पर मैं तू आ भाई, शूट ही करता रहेगा। इधर आ जा यार। लूट मिली, टी ब्लड कार्क कुछ दें। चंक नहीं, चंक था वो, रॉक चाहिए मेरे को। बढ़िया ही कर दिया। बताओ यार क्या प्लेस है ये? लिटरली स्पैमिंग कर रहे हैं वो। लाइक कैसे, क्या करूं मैं वहां? रनिंग इज द की टू सक्सेस।
You're a hunter with your sanity, aren't you? Must have taken a wrong turn, then, eh? Well, we're more alike than you think. This is the hunter's nightmare. Where hunters end up when drunk with blood. You've seen them before. Aimless, wandering hunters slavering like beasts. This is what the poor fools have to look forward to. So, don't be brash. Turn back before it's too late, unless you've something of an interest in nightmares. Oh yes, I see. You sense a secret within the nightmare, and cannot bear to leave it be, as if the spirit of Bergenworth lives on within you. Such inquisitive hunters will relish the nightmare. But beware. Secrets are secrets for a reason, and some do not wish to see them uncovered. Especially when the secrets are particularly unseemly. इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से नाम रखा है इस जगह का वैसे. Hunters Nightmare and actually tough बना रखी है ये. Beware, especially. Oh, shortcut है ये. Thank God मैं यहाँ पे आ गया पहले. Oh भाई इतनी खुशी मिल रही है सच में क्या बताऊँ मैं भाई मैं जा रहा हूँ वापस मेरे को blood vials चाहिए थोड़े. Thank God. ये शॉर्टकट है विच मीन्स हम बॉस के पास पहुंच गए यार क्योंकि एक ही शॉर्टकट है यहां पे आसपास बॉस होगा कहीं लेट्स सी एक्साइटेड हूं मैं डीएलसी बॉसेस के लिए क्योंकि वो टफ होते हैं और Actually, like decent bosses होते हैं DLC में तो maybe मजा आए ओ यार अभी तो पूरा एरिया रहता है मेरे ख्याल से श्योर हील दे मेरे भाई हील आई नीड हील्स वहां नहीं देखेंगे हम वहां कोई नहीं है ओ गॉड बस ये मेरे पे ध्यान ना दें बाकी सब ठीक है ओके वहां पे तीन जने दबा के चार जने वहां पे जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना आई एम रिस्किंग इट फक इट तड़पो भाई तड़पो No, please let me pick it up, let me pick it up. Aye, hi, kya? Arre naas pite, tumhara naas pite. Trouser, bhai, pajamo ke liye apni jaan gawa di almost maine. Aa to nahi rahe wo. Aisa kya hai in pajamo mein? Aye, hi, almost inke liye mar gaya, batao main. ये शॉर्टकट होगा फक यू डॉगीज यार हीलिंग दे अबे हीलिंग तो प्रोवाइड कर दिया करो तुम इतने नमक हराम हो एक ही है ना वो अंदर कहां बढ़ गया तू मर इट्स ओके भाई ये मेस्ड अप जगह है बहुत हंटर भी आ रहा है एक पहले इसे मार दूं
अब वो क्रो भी आ रहा है, ये चाचा भी मारेगा मुझे। बढ़िया, श्योर श्योर। मतलब कुछ लोग इस जगह में ऐसे हैं, क्या ही बोलूं भाई। तू इधर क्या कर रहा है भाई, तू इधर से आओ, भाग रहा है तो। ड्रॉप दे ड्रॉप दे। अबे यार डॉगी टाइम, ये मेरा फेवरेट पार्ट। दो हिट है पर अनोइंग है ना भाई, वो बात तो ये है। और ड्रॉप नहीं करते कुछ, बढ़िया। क्रो को फॉलो कर रहा है वो भी बंदा। इधर आ भाई, you man, fuck, okay worth it, क्योंकि ये हेल्थ देते हैं। बढ़िया, अगर दो खर्च करके तीन मिल रही हैं तो ओवरऑल बेनिफिट है। ये कमीन के बीज भैंस की, कितने क्रोस। अगर हर किसी से हील मिलने लग जाए ना, मैं खुश हूं लड़ने के लिए। कुछ लोग डिजर्व नहीं करते लड़ना। और भाई क्या जगने लग रहे हैं भाई। वेयर इज द डिवाइस इसको ओपन करने के लिए, दिख नहीं रहा है मुझे। आई गेस यहां पे नहीं है। ये मे बी नहीं, कितने सारे तो रास्ते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, मेरे को बस पता नहीं है। ओ बढ़िया,
मेरे से ये वाला बंदा पैर ही नहीं होता यार, मैं फंस गया। माँ की आंख तेरी। वो इतना फास्ट है कि मेरी गन मेरे पिछवाड़े से निकल ही नहीं रही है, वो इतना फास्ट है। शिट यार, ओ गॉड, कितने अनोइंग एनिमीज हैं इसमें। भागने वाले एनिमीज भी नहीं है और फाइट करनी पड़ती है सैडली। उधर कौन, व्हाट, मैं इधर गया हूं? हाँ हाँ, वेट, तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता ना यहां से। हाँ, ये भागने क्यों लग जाता है? ओ, ये गेट खोलना बहुत ज़रूरी है, ये गेट खेलना बहुत ज़रूरी है। क्या जगह है ये, बाय गॉड। ओके, फक दैट प्लेस, मैं नहीं जा रहा वहाँ। अबे यार, बात तो वही है ना, डिवाइस तो है ही नहीं यहाँ कहीं, ये तो कंटिन्यूएशन हो गई। इसका डिवाइस कहाँ है, मुझे ढूंढना है। वहाँ पे बस वो लूट दिख रही है, डिवाइस डिवाइस तो कहीं ना दिख रहा। वहाँ से मैं नीचे भी कूद सकता हूँ आई थिंक। शिट शिट शिट, घटिया जगह है ये। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टाफ मिला मुझे, वेपन मिला मुझे, तो रॉक दे दो यार। डीएलसी काफी बढ़िया है। हाँ, 8 घंटे की है करीब। अगर तुम एक्सप्लोर करते हो बढ़िया तरीके से तो 10.5-12 घंटे भी लग सकते हैं। ओ, ये उसका है क्या? डीएलसी में वेपन्स मिल रहे हैं पर मेरे को मेन स्टोरी में इतने वेपन नहीं मिले। यहाँ पे 2 पड़े मिल गए। मेरे साथ भाग रहा है बंदा, इसे भी डर लग रहा है इस जगह से। ओके भाई, मैंने ये सारी जगह टेस्ट मार ली, इट्स नॉट वर्थ इट। नीचे मत गिराइयो बस। हाँ बस, इतना चलेगा, इतना डैमेज लेने के लिए तैयार हूँ मैं। पता नहीं ये कौन सी जगह है, वो ब्लड वाली, ये मैं वहां भी जा सकता हूं। व्हाट, कैसे? उसके ऊपर वहां से नहीं, कहीं से रास्ता होगा, मुझे पता नहीं है।
इधर जाने का कोई फायदा नहीं, उधर का भी नहीं। ओ लक्कड़ पे से क्या? इस लक्कड़ से? नहीं 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 मुझे नहीं लगता। हाँ यार इसी लक्कड़ से भाई। हाँ हाँ ठीक है। प्रिंस ऑफ पर्शिया। What is the point? यहाँ पे डिवाइस नहीं है। You have come to the right place। कहाँ की right place यार? हंटर वहीं खड़ा है और मुझे दोबारा चढ़ना पड़ेगा। इसमें से नहीं जा सकता तू? एग्जीक्यूशनर है ये तो, वो भी बड़ा सा। वो भाई कैनन ले रहा है वो। भागो भाई साहब, क्या जगह है ये ऑनेस्टली ना, माय गॉड। इधर से आया वो, मैं भी इधर ही जा रहा हूं। छुपा लो मुझे तो कहीं, मेरे को ना जाना बाहर। बुचर अच्छा है क्या? कहाँ पे है? ना घटिया ही है, छोड़ो। कितने कपड़े हो गए मेरे पास? ओह गेट है ये, फक। रन, जस्ट रन, भागो, फक इट। भाई बावले लोग हैं यहाँ। इसे देखो कैसे निकलने की कोशिश कर रहा है ये। भाई साहब यहाँ का बॉस भाई बहुत पीटेगा, मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ का बॉस बहुत ही पीटने वाला है मेरे को। डोंट टेल मी बॉस आ गया। What the fuck witch? अगर ये बॉस है तो वापस कैसे आने वाला? ओ भाई ये तो बॉस है भाई, कैसे? तो शॉर्टकट कहाँ है? मुझे लग रहा है 100% बॉस है। देयर इज नो वे, एरिना है ये तो पूरी। Yes! भागो पहले उधर जाओ, वो पक्का शॉर्टकट होगा। ओ मेरे लाल शुक्रिया, मैं यहां पे आ गया, शुक्र मैं यहां पे आ गया, थैंक गॉड मैं यहां पे आ गया। ओके ये दूसरी जगह है, प्लीज ब्लड रॉक दे दे यार। चंक मिलता है, ये रेयर है, इसका मतलब ब्लड रॉक वगैरह। चलो बॉस का एरिना तो फिर पास ही है पहला एटलीस्ट। नीचे लूट है। ओ ओ गॉड, ले लो लूट, ले लो, नो प्रॉब्लम, लूट लो।
लुटन दे तेरी। ओके मैं कहाँ पे आऊँ, कहाँ पे हूँ मैं? ओ ये वो जगह है, वर्लिंग वर्गलिंग सॉ। ऊपर जाओ पहले, ऊपर जाओ। तो भाई से मत रखिए भाई। न्यू वेपन भाई, तीन वेपन मिले मेरे को नए इसमें। बी ई अरे वाह, तो लट्टू सा वो मिल गया बचपन में, वो टॉय से खेलते थे जो। अरे वाह, तो वैसे ये सिंपल डंडा है और इसमें ये। अरे वाह, खुदाई सी कर रहा हूं मैं तो। ये तो किसी एनिमी पे यूज करके देखनी चाहिए भाई साहब, दिखने में कितनी अच्छी है। इसमें ब्लड है वो लॉस नहीं, सैड यार। बताओ ऐसे वेपन तो क्लियरली ब्लड लॉस वाले होते हैं। नहीं मुझे बूम हैमर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं ना इनसे बोर हो गया हूँ भाई, होली ब्लेड से। मे बी मेरे को वेपन चूज वो करना चाहिए, कोई नया वेपन चूज। मैं इन दोनों में से कोई एक लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि अपने पास सारे स्टोन्स हैं, पैसे भी पड़े हैं। वेपन बदलेंगे। ओ आई एम बैक हियर, फक मरना नहीं है, डेथ काउंट बढ़ेगा वरना। ओ गॉड, या जिसके जिसके जिसमें भी दिमाग है ना, वो कभी भी इन लोगों से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहेगा। थैंक यू वेरी मच। After the Soul Games, if you want, you can try Batman Arkham Knight series and Wolfen series from New Order. They are all kind of like RE. Yes, मैंने सुना है उसके बारे में, and sure, try देंगे उन्हें भी। फिलहाल तो we are changing the weapon. हमारे पास money है, हमारे पास stones हैं, हम लोग weapon change कर सकते हैं, and that's exactly what I'm gonna do. द थिंग इज कि पहले मैं इसमें ट्राई करना चाहता हूँ कि कौन सा वेपन बेस्ट है, तभी तभी बात बनेगी ना। कैथेड्रल वार्ड पे ही जाते हैं, वहाँ पे एनिमीज हैं। मेरे को हैमर और ये दोनों ट्राई करने हैं। आई नो 60 इनसाइट से मैं खरीद सकता हूँ, बट मैंने ऑलरेडी खरीद लिया बहुत कुछ, एंड ब्लड रॉक लेना भूल गया फिर मैं। 80-44 है मेरे पास बस। अरे यार सेडेटिव दे यार ग्रैंडमा, थैंक यू। ग्रैंडमा बहुत अच्छी है यार। ऑल राइट देखते हैं भाई, आ जाओ पिसने के लिए कौन तैयार है। यहाँ पे एक ड्रामा रहता है ना। ले अब मुझे एनिमी चाहिए तो कोई है ही नहीं, उस साइड जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भाई एनिमी गायब हो गए, स्टोरी चेंज हो गई पूरी। जाइंट मेरे भाई तू है, अरे तू ही आ जा यार। हाँ तेरे पे थोड़ा वेपन टेस्ट करूं मैं। ओ वाओ यार ये तो अच्छा है यार, अपने ऐसे लगे रहो मजे से जब तक स्टेमिना है। आई मीन ऐसा भी करेगा वो ऑब्वियसली, पर ओके हैवी में। यार बहुत फास्ट है ये वेपन तो मेरी उससे, बस मेरे को वो देखना है कि कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं उसे। ये तो बहुत अच्छा है। एक मिनट, मेरे को वो भी पसंद आ रहा है पर। ऑल राइट इसको ट्राई करते हैं, कितना फायर डैमेज। बम, इसे बार बार चार्ज करना पड़ता है पर। फ्री फायर डैमेज है पर। <laughs>
कितने फन वेपन है, बताओ यार मेन स्टोरी में डालने चाहिए थे ऐसे वेपन, डीएलसी में जाके मिल रहे हैं। वेपन तो मैं डेफिनेटली चेंज करने वाला हूँ, ये होली ब्लेड से तो बहुत अच्छे हैं। वर्लिंग हैज मोर डैमेज, ओके नाइस, तो फिर मैं उसे ही अपग्रेड करूंगा बिकॉज फन के साथ साथ डैमेज भी चाहिए हमें। और वेपन फन है वो, पीछे जाके बॉस के चटका सकता हूँ उनकी गुद्दी। मनी दो पहले थोड़ा सा, ओ ओ ओ ओ एक मिनट, ये नहीं करना था मेरे को। व्हाट 880 पैसा चाहिए। ओ भाई ए ए रैंकिंग हो गई उसके अभी से ही, ये 200 है और ब्लड रॉक पे हूं मैं, और इसकी ऑलरेडी 176 हो गई, वो भी जब मैंने वो जेम स्टोन्स नहीं लगाए। ये स्ट्रेंथ के साथ अच्छा जा रहा है, आई लाइक इट। एक ब्लड रॉक और, एस स्केलिंग, लेकिन 136 हो जाएगा। आई मीन स्केलिंग करना वर्थ इट नहीं होगा। व्हाट ये क्या हुआ, और एस डेफिनेटली 100% ये लगाओ। ओ भाई ये तो बहुत बढ़िया है भाई, इनसेन डैमेज, एस स्केलिंग टोटली वर्थ इट, मजा ही आ गया बिल्कुल। ओके इससे बोर हो गए तो फिर हैमर को करेंगे, पर जिस हिसाब से इसका डैमेज है ना, ओ मेरे पास ये क्यों है, इसमें मजा आएगा। Gammon awaits you. Go on. All right, boss time. सही है यार, boss से पहले मिल गया, सही है मैं पीछे आ गया। Oh, nightmare. मुझे summons पसंद नहीं है, नहीं। Has the highest DPS of all weapon, best strength weapon for sure. Ooh, ये तो बढ़िया ही weapon पे हाथ लग गया भाई, और सही है मेरे को पीछे से जाना पड़ा इस weapon के लिए, ये छुपा हुआ भी था बहुत इसका रास्ता। आइले दिखता भी कितना अच्छा है। All right, boss battle देखते हैं कौन है यहाँ पे। क्योंकि पीछे से आई थिंक दूसरा बॉस है। एक सेकेंड, ओह गॉड कोई आ रहा है, वो विच। आ बेटा तेरे पे ही टेस्ट करूं। खत्म। या हंटर्स नाइटमेयर में दो हैं तो वो दूसरा बॉस वहां से होगा फिर, ठीक है बस यही चेक करना था मेरे को।
शुरू करते हैं। बुलेट्स नहीं है मेरे पास एक भी, पर मैं ड्यूअल हैंड ही यूज करने वाला हूँ इस वेपन को। स्केलू भैया नहीं कर सकता मैं हेल्प, सॉरी। ओह डैम, ओह नो यार, ये तो वैसा लग रहा है न्यूबॉर्न घोड़ा है ये। ये सारे बॉसेस ऐसे डरावने से क्यों हैं? वो हंस रहा है भाई। आए आए। ये सारे बॉसेस ऐसे डरावने से क्यों हैं? लडविग द अकर्स्ड। भाई तेरे को तो छील दूंगा मैं, कहा ये ले। ओह गॉड, या मुझे इससे भी बच के रहना होगा। तो आई एम अज्यूमिंग इसका सेकंड फेज भी होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सॉर्ड है उसके पास। मेरे को अभी हील्स यूज नहीं करनी चाहिए, मैं भी भाई बहुत डैमेज है इसका तो इनसेन। ओ ले भाई, क्या डीले करके जंप मारी है। ऑनेस्टली बताऊं भाई, सही है मैंने वेपन चेंज कर लिया। कैसे लड़ता उस होली ब्लेड से, इतना तेज है ये। इसका डैमेज तो कम से कम इनसेन है, हरा देंगे इसे। हैवी मार बोलना आसान है, कैसे टाइम तो दे। वो उछलने ही इतना लग रहा है भाई। बॉस अच्छा दिखता है ये डीएलसी के बॉस, ये बहुत अच्छे बनाते हैं। किसी भी सीरीज को उठा के देख लो, सोल सीरीज में डीएलसी बॉसेस इनसेन होते हैं इनके। Pro music, badao soundtrack, bohat acha high PLS. फिर मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी इसीलिए नहीं। ओके मिस्ड, देखा इसीलिए मैं हैवी नहीं मार रहा था। ओके आई गेस फुली हैवी मारने की जरूरत नहीं है। ओ ब्रो लग जाता तो भाई। भाई कितना जूम्ड इन वो मिला था हमें। बात पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये इतना टफ एनिमी है ना, और मेरे को इसका सेकंड फेज देखना है विदाउट यूजिंग माय हील्स, क्योंकि हील्स कम है मेरे पास। बट आई फील लाइक इस वेपन के साथ हम लोग रेडी हैं, वो इतना वो नहीं है, बस थोड़ा सा तमीज से डॉज करना है मुझे। ले डैम नाइस, और डैमेज नहीं हुआ उसे कुछ खास। हैवी पे मैं सच में एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छा डैमेज। यार मैं, मेरे को लग भी रहा था वो रश करेगा। शेट डिलेड,
ओके वो ब्रो व्हाट द फक वाओ आई थिंक ये फ्रीजिंग पावर है इसके ऑनेस्टली तुम लोग म्यूजिक अच्छा बोल रहे हो मुझे लिटरली उसका म्यूजिक सुनाई भी नहीं दिया या मैंने ध्यान नहीं दिया प्रॉबेबली इसके रश पे ना लाइक समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं एक डॉज करता हूँ फिर भी उसका रश जो है वो डैमेज कर देता है मुझे लाइक क्या करूँ मैं वहाँ पे क्योंकि डबल रश के लिए स्टेमिना भी तो इतना ज़्यादा चाहिए अरे भाई श्योर श्योर162 डैमेज दिस बॉस इज थोड़ा सा टफ ये पता है क्या ये बीस्ट लाइक बॉस है बट एटलीस्ट ये थोड़ा सा डिसेंट है बॉसेस में लाइक पागलों वाली चीजें नहीं कर रहा इवन दो थोड़ा सा पागल है ये पर समझाना थोड़ा मुश्किल है यार अगर तुम सोल सीरीज खेलो है ना तभी तुम्हें पता चलेगा लाइक इस बॉस में और पागलों वाले बॉसेस में बहुत फर्क है मुझे टाइमिंग अच्छी करनी पड़ेगी डैम यार फर्स्ट फेज ही टफ लग रहा है ये तो या आई एग्री मैं भी यही सोच रहा था ये हॉर्स डेफिनेटली बर्ज़र्क की याद दिला रहा है यार वो वाले स्टार्टिंग में जो हॉर्स आता है बिकॉज उसका भी चेहरा ऐसे ही टेढ़ा सा होता है अजीब सा हॉरिफिक सा मैं एक्चुअली बोलने ही वाला था ये बात
मे बी इंस्पिरेशन वही होगी, बर्जर्क से इंस्पिरेशन ली है क्योंकि सोल सीरीज ने कई बार। ब्रो ये वाला बहुत गंदा अटैक है इसका। ओके मैं देख सकता हूँ उसे, मुझे पता नहीं था। ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया था। अबे यार बताओ मैं फिर, ओ फक, मुझे लगा चांस मिल गया, ये अच्छा चांस था वैसे। नो फक, मुझे हील करने का टाइम दे। डीले यार, लाइक ये पार्ट समझ नहीं आता। ये तो बहुत अच्छा बॉस है। I guess मेरे को ऊपर देखना चाहिए जब वो ऊपर जंप मारता है। इसका ऑलरेडी इतना अच्छा डैमेज है, ऊपर से मैं फायर और बोल्ट लगा सकता हूँ। शीश, ब्लड लॉस होना चाहिए था इस वेपन में यार। ये क्लियरली ब्लड लॉस को रिप्रेजेंट करता है, इसके ये धार वूंड होल लगना चाहिए था सामने वाले पे। नो मैं हमेशा जल्दी कर देता हूँ। व्हाट द फक यार, ये तो डिस्ट्रॉय कर रहा है वो, ये बंदा डिस्ट्रॉय कर रहा है। यार ये वाला अटैक ध्यान समझना पड़ेगा मुझे। फक, व्हाट द फक इज हैपनिंग, क्या रहा है, दिख ही नहीं रहा मेरे को तो कुछ। This guy is tough.
इसका तो सेकंड फेज ही नहीं आ रहा। मैं भी इसके बिना लड़के देखता हूं, मैं भी दैट्स द की। आई मीन स्लो तो उतना ही है यार, डबल पे बल्कि एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा मेरे को। फक, ये अटैक बहुत गंदा है। कहां पर है वो? इसका रश समझना पड़ेगा मेरे को। गॉडफ्री का तो पता नहीं, 3.5-4 घंटे लगे थे गॉडफ्री को हराने में। अभी तो देखो शुरुआत हुई है, सेकंड फेज देखते हैं। क्या कर रहा है? मैंने अटैक किया, वो जंप मार रहा है और मैं फंस गया हूं कहीं ब्लड ब्लड में। यार मैं फंस गया हूं भाई, व्हाट द फक, कहां पे हूं मैं? यार पता है ऑनेस्टली इस फाइट में डॉज होती ना मज़ा आ जाता, वैसे वाली डार्क सोल्स वाली डॉज। लाइक ये फील नहीं आ रही डैश वाली डॉज में, ये पता नहीं चल रहा ना। फक, दिस विल टेक अ वाइल, क्योंकि मैं उसके मूव्स फील कर रहा हूँ ना अभी, एक हैबिट से पड़ जाएगी। थैंक गॉड ये बहुत पास में है, इसके लिए पार्कौर वगैरह नहीं करके जाना पड़ता। मैं सोच रहा था उसे छील दूंगा मैं, पर उसका मौका सा नहीं मिल रहा मुझे। लाइक एक बार तो किया था मैंने जब वो डबल स्टैगर हुआ था। नहीं होता
Oh shit! मुझे लगा था मैं बच जाऊंगा, एक्स्ट्रा हिट्स मिल जाएंगे मुझे। रेज यहां पे शुरू नहीं होगी, ये तो बहुत इजी पार्ट है स्टार्टिंग का, तो क्योंकि इतनी मेहनत करके मर नहीं रहा मैं। रेज शुरू पता है कब होगी? जब मैं उसे सेकंड फेजेस पे ले जाने लगूंगा एंड देन मरने लगूंगा क्लोज आके। इसके अटैक पैटर्न्स एटलीस्ट डिसेंट हैं, तुम्हें पता है चल जा रहा है कि क्या कर रहा है वो। ओके मे बी नहीं, व्हाट द फक। ओके ऐसे टाइम पे तुम क्या ही करो, मतलब व्हाट द फक। ओ गॉड क्या रश अटैक। ब्रो कितना पूरा 360। इसका रश अटैक समझना बहुत जरूरी है। He gets staggered, पर like बहुत बहुत कम टाइम के लिए होता है वो, like हल्का सा हिलता है वो। एंड आई डोंट थिंक पैरी कर सकते हैं हम इसे, ये बॉस बिल्कुल भी पैरिएबल नहीं लग रहा मेरे को, अनलेस इसकी सॉर्ड बाहर आ जाए सेकेंड फेज में, तब मे बी। इथन विंटर्स और लियॉन या एडा, रेजिडेंट ईविल सीरीज या एडा। ओके मुझे वो समझना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत इनसेन डैमेज ले रहा हूं मैं हर बार। लाइक ये मौका होता है मेरे पास, ओके भाई मैं कहा। ओए यार पहली बार तो रश से बचा मैं। अबे बीबीएस सिंपिंग फॉर एडा, जो एडा के लिए सिंप नहीं करता उसको चेक करो तुम, मेरे पे क्या इल्जाम लगा रहे हो, उसमें कोई खराबी है, वो नॉर्मल नहीं है। उससे बचने के लिए पीछे को जाता हूं, मेरा डॉज बटन आगे चला जाता।
ये एक्चुअल में एक टफ बॉस फील हो रहा है. लाइक सबसे पहला टफ बॉस मुझे फील हुआ था वो फादर जो स्टार्टिंग वाला था फर्स्ट बॉस. लेकिन उसमें भी फर्स्ट ट्राई पे मैं उसे लाइक बहुत कम एचपी पे ले गया था. इसमें तो वो भी नहीं हुआ. इसकी एचपी भी बहुत ज़्यादा है. थोड़ा सा इनसेन है ये. अबे यार इस पे लगता ही है. स्टेमिना नहीं है मेरे पास. ओ गॉड फंस गया मैं यार. स्टेमिना ही नहीं है. या इसमें फंसता ही हूं मैं. मुझे पता था. Let's go. पहला स्टैगर बी प्राउड. बिजली वो हाँ. ओह शिट. ओ यार मुझे दिख गया था और मैं बस उसी के लाइन ऑफ साइट में आ गया. ओह गॉड. डबल यूज कर लिया मैंने. शिट. नो यार ये तो बहुत गलत बात है भाई. मैं तो फेस पे आके कर रहा है वो ड्रामा. ये भाई कम ऑन. बहुत गंदा है बंदा. सेकंड फेज लेट्स गो. बहुत सारी एचपी चली गई पर मेरी हील्स आई मीन. Spirit? My true mentor. My guiding moonlight. Ooh, moonlight sword. Dark Souls में भी थी ये. Damn. Oh shit. ले लेट्स गो भाई. बी प्राउड. कुछ कर रहा है पर वो. व्हाट द फक.
नहीं Yes, second phase is definitely better than first. Kind of easy as well. क्योंकि उस पर dodge हो जा रहा है easy. Oh bro, ये तो first try में हो जाता. अबे यार उसने तीन continuous attack मार दिए मेरे पे. Oh यार मेरे पास heals नहीं है. I have to go back and buy some heals. ग्रीडी क्या, मैं डॉज ही नहीं कर पाया ना. पहला टैग उसने मारा मेरे को हिट हो गया, सेकंड मैंने डॉज करने की कोशिश करी वो भी हिट हो गया, एंड थर्ड में वो आगे ही आ गया जब मैं हील करने वाला था. महंगा कर दिया भाई इनको ज़ॉम्बी बना के, इनका प्राइस कम नहीं कर सकता क्या मैं. अब मुझे विदाउट हील्स यूज करे एटलीस्ट उसे सेकंड फेज तक पहुंचाना होगा, या फिर एक हील यूज करे. ओ या हाँ वो विच, तो मैं उसे अगर हर बार मारूंगा तो वो मेरे को वाइल्स देगी. वो काइंड ऑफ इजी है फिर, क्योंकि यार चाहिए हमें वाइल्स तो इसमें. ओके कहाँ रहती है वो, अभी आएगी ना मेरे पीछे. अच्छा वो वहां से आ रही है. नहीं ये पेबल देगी. तो वो बंदा है यार, वो बंदा तो टफ है ना थोड़ा सा, पर मोटा वाला. पहली बार बच गया मैं, लेट्स गो. ओके बहुत तो फेयर. यार क्या है ये पांच अटैक, मेरे को याद है पर मैं ना डॉज नहीं कर पाता, एक ले रहा हूं मैं. इतना फास्ट आता है. इस बड़े आइटम को मार के देखें, प्रॉबेबली मार पाऊं मैं उसे. अगर एक प्रॉपर वे मिल जाए ना तो एटलीस्ट. यार वही टफ है भैंस की. इसके तो इनसेन हेल्थ है. अच्छा स्केलेटन पे है. अरे
एक ऐसा एनिमी यहाँ पे ड्रॉप कर देना चाहिए था जो एटलीस्ट मेरे को 3 वाइल्स प्रोवाइड करता हर बार मारने पे, लाइक फॉर एग्जांपल ये विच। भाई यहाँ पे कहाँ है स्केलेटन? बैड डॉज, डैम। उस स्केलेटन को मार सकते हैं हम? आई डोंट थिंक हम उसे मार सकते हैं, या परमानेंटली मर जाएगा वो। ओके 5 विच इज गुड। ये गेम की ना ये चीज समझ में नहीं आती बस मुझे, भाई 1 HP ऐसे मत छोड़ो, या तो उसे मार दो प्रॉपरली। अगर ये स्केलेटन से हर बार मिले तो मजा आ जाए। सही में आई एम नॉट हीलिंग बिकॉज मेरे पास हील्स कम है। अगर इस स्केलेटन बंदे ने दोबारा मुझे 5 हील्स दी तो आई विल स्टार्ट हीलिंग। तू देवता है मेरे भाई, तू देवता है मेरे भाई, तू सबसे अच्छा बंदा है, तेरे को तो फ्रीडम मिलनी चाहिए भाई। इस बंदे ने लिटरली मेरी बॉस फाइट बचा दी पूरी। अभी आई कैन फाइट मोर कॉन्फिडेंटली एटलीस्ट 5 व्हील्स सेकंड फर्स्ट फेज तक। ब्रो इतना फास्ट है ये बंदा। यार काउंटर करने का मौका नहीं मिलता, लाइक पनिश कब करूं उसे मैं? ऐसे भाग के पनिश करने का मौका ही नहीं मिलता। ब्यूटिफुल,
ओह या मेरे पास, ओह या मैंने ब्लड एकोज की कम्युनियन वो लगा रखी है लाइक रियून. एक मिनट चेक करके आते हैं जरा. लव यू हार्ट. शुक्रिया हर्ष मेरे भाई, थैंक यू. रियून सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा क्या सीन है डैमेज डूमेज का. हाँ ये मोर ब्लड एकोज वाली लगा रखी है ना मैंने. विसरल अटैक रीस्टोर्स एचपी, आई मीन स्टैगर बहुत कम हो रहा है ये हेल्ड अप है बस. एक्स्ट्रा मिलती तो बात अलग है. देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड वायल्स वन में कैरी, मुझे 20 से ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं. रेजेस स्टेमिना, रेजेस एचपी. आर्केन मैजिक में आ गया ना. इतनी सी एचपी पे फर्क पड़ा है. मिडवेल समथिंग इज बेटर देन नथिंग. पिक मुझे वहीं से करनी होगी. हाँ आई गेस इतना चलता है, बंदा इतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है मेरी, इतना चलता है. यार ये बहुत अच्छा है, डेवलपर्स ने सोचा है इस बारे में भाई कि हम एक बैड एस सा बॉस बना रहे हैं, बंदों को हील्स देना ज़रूरी है. 5 हील्स बहुत बड़ी बात है, मैं तो 2-3 की रिक्वेस्ट कर रहा था. यार कितना वैसा स्लो है इसका लाइक डॉज. कहाँ हूं मैं? माय गॉड कितना फास्ट है वो. मैं डॉज बटन दबाता हूं इतने में तो डैमेज कर देता है वो. ग्रेट चॉइस फॉर वेपन ब्रो, बेस्ट पॉइज ब्रेकिंग वेपन इन द गेम. वेल मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये घोड़े का पॉइज ना बिगड़ रहा भाई. Great choice for weapon bro, best poise breaking weapon in the game, victory hand light skin tone moai. मैं फर्स्ट फेज में ओनली
यू नो 5 ब्लड वायल्स ही यूज करने वाला हूँ, दैट्स इट। मेरे को कोशिश करनी है कि 5 के अंडर में यूज करूँ, क्योंकि फर्स्ट फेज बहुत फक्ड अप सा है यार, वो पागलों वाली हरकतें कर रहा है। सेकंड फेज एटलीस्ट सिंपल सॉर्ड अटैक्स हैं, तो वो डॉज करना फिर भी पॉसिबिलिटी सी लगती है। फर्स्ट भी वैसे डॉज करना समझाना मुश्किल है। तीन, चार, पांच, चार मारे इस बार भाई, तो मैं गिन रहा हूं ना, पर नो 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 कंट्रोल बिजली। मैंने हैवी भी मारा था, वो लगा ही नहीं। एक और बार कर रही है, बिजली कम ऑन ब्रो, कहाँ हूं मैं, व्हाट इज हैपनिंग। नहीं, मैं कभी उसमें कभी आगे नहीं जाऊंगा मैं। नहीं, अपने आप को कंट्रोल करता हूं मैं, बहुत बढ़िया। अबे यार यही मौका था। ब्रो तभी तो वो दूसरा अटैक मारने लग जाता है। भाई तूने रश कॉम्बो किया है, थोड़ा सा वेट तो कर। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, पता नहीं क्या हुआ या अटक गया मैं उसी के सर में। अरे यार वही बात हो गई दोबारा, ये तो वही कर दिया उसने जो अभी हुआ मेरे साथ। ओह गॉड, आई थिंक इस स्केलेटन की भी बात हो रही है, यहां पे भी एक कुछ था। स्पैम करवाऊं शील्ड तेरे से? ये ले भाई, तू स्पैम ले। स्पैम भी ग्रैनी का कह रहा है, शर्म भी नहीं आती। ये होगा 9-10 साल का बालक। मेरे को ये सिल्वर बुलेट कहां से मिली? एक आई नो पिछवाड़ा इज द की, पर भाई वो फास्ट देख रहे हो तुम कितना है, लाइक He is very fast. मैं stamina use करके जाऊं भी वहां पे तो not worth it. 489 heavy पे भी मजाक कर रहे हो तुम? ओ यार मैं भूल जाता हूं इसके बारे में, ये ऐसा करता है, fuck me. ये मैं पिछवाड़े तक पहुंच ही नहीं पाता मैं उसके। आई एम सो फकिंग डम्ब, मैं कितना इडियट हूं, उसके अंदर जा रहा हूं।
लाइक मुझे उसके अटैक पता चल गए हैं, चार मार रहा है, पांच मार रहा है, कब क्या कर रहा है। वो इतनी जल्दी मूव करता है कि मैं काउंटर अटैक भी नहीं कर पाता। Missed. Fuck. तुम लोगों को मेरी आवाज सुनाई भी दे रही है, म्यूजिक इतना तेज है। आई एम सो फकिंग स्टूपिड यार, मैं इतना डम्ब हूं। वो ऊपर क्या कूद जाए, मेरी तो हक्का बक्का हो जाता हूं मैं एकदम की। इधर बस बटन दबाने लग जाओ, कुछ भी हो जाए बच जाओ बस। अबे भाई दिमाग तो लगा ले शुभम। या नो रेज डीएलसी बॉसेस, यस भूल नहीं सकते हम, कम ऑन। अरे यार ये इसके ऊपर जाने के भी दो फेजेस हैं, एक में तो चलो दिखता भी है ये, एक में तो दिखता ही नहीं है, वो डीले करता है जिसमें। वो तो भला हो मेरे स्केलेटन भाई का, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया इसने मेरे को। वो बंदा देवता है भाई, स्केलेटन बाबू पांच वाइल्स दे रहा है हमें। ओके नहीं लगता, मैं टेस्ट करना चाह रहा था कि हैवी लगता है या नहीं। ओह माय गॉड, मैं भूल जाता हूं, मेरे को याद नहीं रहता, एंड आई एम सो फकिंग डम्ब। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई हेट माय सेल्फ, शिट। विनर मोर चॉइसेस वाली गेम्स कमिंग अप। I really liked the Quarry and House of Ashes gameplay and recently saw Limbo video if you run that game. The Quarry and House of Ashes, yeah, उनका एक न्यू प्रोजेक्ट आ तो रहा है I think, but time लगेगा उसके आने में। Spammer kids की, या बुली करो भाई उन्हें, ये जितने भी डम्ब लोग हैं ना, बुली करो उन्हें, खुल छूट दे रखी है, लेकिन या दायरे में रह के, लाइक इंटेलिजेंट वाली बुली, वो गवारों वाली बुली नहीं, बुली करो, पनिशमेंट दो उन्हें। बालकों को समझ में आना चाहिए इंटरनेट लाइफ पे वो कुछ भी नहीं कर सकते, एक दायरे में रह के तमीज़दारों की तरह रखना पड़ता है उन्हें। ओके अभी वो मारेगा नहीं, मैं पास होता हूं तब मारता है। अभी मारेगा, ओके अभी, यार मैं टेस्ट कर रहा हूं कब मारेगा वो। ओह फक, अभी मारेगा, मेरे को पता था बेटा, सीख रहा हूं तेरे ड्रम में। मैं मरा, मेरा स्टैमिना सारा यूज कर लिया मैंने। वो ये इसमें फंस जाता हूं मैं, ओह गॉड, कहां हूं मैं, कहां हूं भाई, ये कैसा कैमरा एंगल था देखा तुमने, बड़ा पीओवी दिखा रहा था वो, मरो शिट। I love it. Just kill him. Yes. Let's go. ये तो बहुत अच्छा खेला मैं। All right, शुरू करते हैं भाई। Bad. And इसी अटैक में मैं पिछली बार भी फंसा था, आई थिंक। शिट, फर्स्ट फेज इतना बढ़िया खेला, सेकंड फेज पे डंप। ओ बॉय, पिछले बार फर्स्ट फेज में तो फील आ गई पूरी, मजा आ गया, क्या
क्या सेक्सी वो थे मेरे डिसीजंस, मुझे हैवी मारा ना मैंने स्टैगर के लिए, क्या प्यारा था वो। उसके पैटर्न समझ में आ रहे हैं बेटा, तो गोपचे में आ रहा है धीरे धीरे। ट्वेंटी मैक्स है तो फाइव एक्स्ट्रा का क्या फायदा, क्योंकि ये मेरे इन्वेंट्री में जाते हैं, विच मीन्स अगर ये 15 हो भी गए तो नेक्स्ट टाइम दोबारा मुझे 20 मिलेंगे। आई मीन ओवरऑल मेरी इन्वेंट्री में ज्यादा होते जाएंगे। एंड मुझे हील्स चाहिए। अभी मारेगा नहीं, ओके माय बैड, गलत रीड कर लिया तेरे को। बच गया भाई, अभी करेगा वो बिजली नहीं, दूर हूं मैं या तुम्हें मानना पड़ेगा वो डॉज बड़ा प्यारा था भाई। हील करनी है मुझे, शिट। फक यार, वो दूसरा लग जाता वो स्टैगर हो जाता। हाँ ये चिल्लाता बहुत है, आई एग्री भाई, बहुत फन बॉस है। लाइक इवन दो मैं मर रहा हूँ बहुत बार और टफ है ये, लेकिन फन बहुत है क्योंकि इसके अटैक पैटर्न्स बहुत अच्छे बना रखे हैं। सारी बात अटैक पैटर्न्स की होती है, अगर तुम एक अच्छा बॉस डिज़ाइन कर रहे हो गुड अटैक्स के साथ तो फिर चाहे वो कितना ही टफ हो मज़ा बहुत आता है। देखा अपनी कमर साइड कर लेता है ना, वो बात वो है सारी। शिट यार, उसके पास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फक
ओह बच गया मैं, नहीं यार, ये स्टैगर क्यों नहीं हो रहा? अब एक बार भी स्टैगर नहीं हुआ अभी तक। व्हाट व्हाट, मुझे रिपोस्ट नहीं दिया इन गेम वालों ने, हराम जादों ने। शिट, मरा ही मरा। ओह मे भी नहीं। ओह मेरे को लगा अच्छा टाइम है ये। Easy. इससे पता नहीं मैं कैसे बच जाता हूं। पीछे Oh my God! नो, लास्ट टाइम भी यही कर रहा था। फक भाई, पीछे छोड़ दे मेरा थोड़ा सा। मैं रिपोस्ट नहीं कर पाया सैडली। ओ वो छोड़ेगा, बीच में सेफ था मैं। शिट, मेरे को पता था, मैंने अपने पे ही ट्रस्ट नहीं करा। ओह माय गॉड ब्रो, मैं मरा। एक्चुअली नो शिट, मैं मरा, फंस गया क्योंकि मैं फक। लेट मी गो यार, पीछे आना। क्या घटिया डॉज सिस्टम है यार, फक, इतना स्लोएस्ट डॉज है। ओ गॉड, सही में ओके, सही में मैं बहुत बुरा खेल रहा हूं। कहां मार रहा है वो, मिस कर रहा है क्या वो? पीछे आओ यार, बैड, हील करो। ओके, बीच में भी डैमेज होता है मुझे। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट इट। अबे प्रॉब्लम ये, जब ये ऐसे सॉर्ड ऊपर उठाता है ना, तो ये मेरे को फॉलो करता रहता है, तो मेरे भी मेरे को डबल डॉज तो मारना ही पड़ेगा भाई, उसमें डैमेज तो होगा ही थोड़ा सा। शिट यार, मैं तो बहुत बुरा खेला ये सेकंड फेज ये वाला तो। भाई फर्स्ट ट्राई में इतना अच्छा खेला था, पता नहीं कैसे डैमेज होने लग रहा था मेरे को। अबे यार डम चीजें हो रही हो तो समझ में भी आता है, जब मैं डम चीजें करूँ ना तो वो चीज अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। भाई फेस गर्म हो गया मेरा।
भाई इसे लगता नहीं है जब ये स्टैगर्ड फेज में रहता है आई थिंक। मैंने हैवी मारा, वेयर इज माई डैमेज? What? Fuck. वो मैं बिल्कुल रेडी नहीं था इसके लिए। यार पनिश करने का टाइम बहुत कम मिलता है। फक वो अटैक काउंटर अटैक करने के लिए। ओ ये करता है ना वो पीछे। तमीज से लड़ शुभम। नो फक आई डोंट नो मैं इससे कैसे बच जाता हूं। ऑल राइट ओ गॉड नहीं ओ माय गॉड मैं भूल गया था। ओ दर्द हो रहा है इस वाले में तो। गॉड मैं भूल गया था वो ये करता है यार। ओ गॉड मैं भूल गया था भाई। मुझे लगा वो बॉल वाला कर रहा है, वो वाला कर रहा है दूसरे वाला, तभी तो मैं आराम से खड़ा हुआ था। अरे भाई वो चीज़ बहुत बुरी लगी।
ओ वायल्स लेने जरूरी हैं हर बार। ब्रो इमेजिन जिसे एक्सप्लोर करना पसंद नहीं है उसने ये मिस कर दिया उस स्केलेटन को, वो हर बार कलेक्ट करता हो फार्म करके इससे लड़ने के लिए। Fuck me. शिट यार एक्स्ट्रा वायल्स यूज हो रहे हैं। मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब वो ऊपर अपनी सॉर्ड ले जाता है तब वो बड़े वाला सामने वाला अटैक कर रहा है, एंड जब वो नीचे ले जाता है तो वो सर्कल वाला अटैक कर रहा है। मैं भूल जाता हूँ। ये बोल्ट पेपर फायर पेपर इतने महंगे मिलते हैं, लिटरली कोई बेनिफिट नहीं लग रहा इनका, डैमेज का पता ही नहीं चल रहा।
ये बहुत अग्रेसिव खेला मैं, बहुत बढ़िया था ये। Let's go, come on. नहीं वो वाला कर रहा है। Oh my God, मैं भूल गया था। रुको। शुभम मत कर ऐसा यार, शुभम तू मत कर ना ऐसा। मैं पागलों की तरह ना उसके छाती में घुस जाता हूँ जभी जभी। मैं फंस गया हूँ, मेरे को नहीं दिख रहा मैं कहाँ हूँ। My God, मैं कहाँ हूँ? मुझे पता ही नहीं चल रहा ना क्या हो रहा है। मैं यार इतना डंपक हूं ना। माय गॉड, फक ओ फक ओ फक। वो जावे ही जावे यार, जावे ही जावे, हेल्थ जावे ही जावे। थैंक गॉड ही इज डन। यस, फाइनली। ओ टफ था ये बॉस, पर ये बहुत अच्छा बॉस था। ऑनेस्टली मजा आया। कितने ट्राइज लग गए भाई। भाई वो बहुत बुलशिट अटैक था सही में। वो जो ऊपर से शॉर्ट करके नीचे ला रहा था ना, वो बहुत बुलशिट अटैक था सही में। कुछ समझ नहीं आ रहा बैंस की क्या कर रहा है, पता नहीं। मैं वही तो कह रहा, वो ऐसे रखे रखता है और जैसे ही मैं डॉज कर रहा हूँ वो फॉलो कर रहा है मुझे। भाई फंसू ही फंसू मैं उसमें। गिव मी सम हील्स यार, पागल ही हो गए गति। मजा आ गया पर भाई, क्या सेटिस्फेक्शन मिली उसे हरा के। ये डेफिनेटली बेस्ट बॉस था अभी तक पूरी गेम में, 100% बहुत अच्छा बॉस था ये, सबसे बढ़िया लगा ये वाला बॉस। ओके नेक्स्ट आई थिंक ये लोकेशन है। Yep. Oh, ऊपर है क्या वो? हाँ बच गया। वो नीचे आने वाला है क्या? लग तो नहीं रहा। ओ आ ये तो सारे मेरे अगेंस्ट में है। क्रोज भी कितने फास्ट आते हैं।
क्रो है ना ये। डंडा भी काफी डैमेज करता है, मैं हल्के में ले रहा था इसे। सिक्सटी एफ पी एस करो ब्रो, विदाउट नॉलेज नहीं बोलना चाहिए, 60 FPS नहीं है इसमें। वो जेल ब्रेक वाले PS5 के लिए आया है अगर इंटरनेट पे देखा हो तो। ये क्या है, जिंदा है ये? नहीं वेट, यहाँ पे तो मेरे को आना भी नहीं था यार। ये तो वो जगह है जहाँ पे हमें ये 100 मिली है। क्योंकि हंटर्स नाइटमेयर में एक और बॉस है सम प्लेस, वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ओ गॉड, डरा दिया भाई तूने, मैं भूल गया था। ऊपर ऊपर, कोई ना। ओके, डार्क सोल्स होती ना ये गेम तो अभी तक गिर जाता मैं। बेल बज रहा है यहाँ पे, वहां पे, कहां पे? वो लिटरली मेरे बारे में भूल गया। ओके, ऊपर था क्या कोई रास्ता? नहीं, ऊपर तो कुछ नहीं है। फिर नीचे से ही है कोई रास्ता? क्या पता मुझे नीचे ना गिरना हो। बात यह है कि नीचे नहीं गिरना तो फिर जाना कहाँ है? कोई और जगह है ही नहीं है। वेट, आई कैन टॉक टू हिम? मुझे नहीं पता था वो आया ही नहीं था वहां पे, तो वो मरा नहीं है कंप्लीटली, या वो लाइक बीस्ट फॉर्म में नहीं है अपनी? बताओ बीस्ट फॉर्म भी कैसी थी उसकी, घोड़े वाली? जहां तक मुझे याद है मैं भी इसमें बीस्ट बन सकता हूं, पता नहीं कैसे। पर वेट, फ्री वायल्स, ये सो कौन रहा है? अरे वाह, मुझे पता नहीं था वहीं बैठा है वो। वहीं है ना वो? पहले ये देखते हैं, थ्री वाइल्स थे। ओह, यहाँ से है रास्ता। वेट, टॉक टू हिम का क्या मतलब है फिर? है ही नहीं वो तो यहाँ कहीं। Locked. I guess इसकी की चाहिए।
ओह हेलो, उसके पास गन होगी जरूर। या बैड, अब क्या करेगा? आई गेस ब्लडबॉर्न में कोई सीक्रेट रास्ते नहीं है, हाँ लाइक इनविजिबल वॉल वगैरह। फिस्ट ऑफ ग्राशिया, ओह तो मेन लोकेशन सी लग रही है। ग्रेट वन विजडम, बॉस है ये, मेरे को जाना चाहिए वहां। एक्चुअली ना एक सेकेंड, कितना मिलेगा इससे? दो। ग्रेट वन क्यों बोला फिर? दो, ओनली टू। एटलीस्ट 15 देता, खुशी तो तभी मिलती। इधर क्या है? इधर देखने दो। ओ गेट है इधर भी। आई हियर द बेल। Liar. Such pettiness will be your undoing. The beast you seek will not be found here. Go back to your hut. And if you have the chance, put this knife behind you. Places better left untouched. Secrets better left alone. Only a fool would so brazenly roam. Abhe yaar, isne to gate hi na khola. शिट, मुझे झूठ बोलना था। आई गेस मेरे को सच बोलना था। वो अपनी बेल बजा रहा है ना, उसके बारे में ही पूछा आई थिंक उसने। मैं भी दोबारा पूछे वो ये सवाल मेरे से। चलते हैं अब ऊपर। हाँ जी, यहाँ क्या चल रहा है बताओ मुझे। ओह व्हाट, ये ना छुपे हुए बैठे बंदे। अच्छा बढ़िया, गॉड मेरी डॉजिंग का रास्ता रोक रही है। अबे यार, इसका कहीं बेनिफिट है? ओ मेरी होली सॉर्ड ले रही है ये तो। ओ गॉड रैट्स, शिट यार, फक, मैं बहुत मैश करता हूं भाई, नहीं करता ये डॉज। Fuck off, rat. मेरी जॉर्ड बहुत तेज थी मुझे पता है, वन हैंड में।
एक एक करके लड़ो ना। 15 लोग अटैक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता 5 वाइल्स से ज़्यादा किसी ने अभी तक दी है। आई थिंक एक जाइंट ने दी थी 6 बस। Have you seen the light का क्या मतलब हुआ? कौन सी light? खुश कर देते हैं, मर रहा है बंदा। Ah, good. That is a relief. To know I did not suffer such denigration for nothing. Thank you kindly. Now I may sleep in peace. Even in this darkest of nights. I see the moonlight. अच्छा कोट था। सॉर्ड के लिए कर रहे होगे तुम लोग। 90 और मेरे पास इंटेलिजेंट वगैरह नहीं है। ओ मैं पिक भी नहीं कर सकता उसे। वाह, ट्राई भी नहीं कर सकते हम। हाँ उसने एक रियून दी थी मेरे को, वो लगानी है पहले। गाइडेंस बूस्ट रैली पोटेंशियल बूस्ट अमाउंट ऑफ लाइफ रिकवर्ड बाय रैलिंग। रैलिंग का क्या मतलब हुआ? ऑफर्ड गाइडेंस एंड एम्प्टीड लडविग ऑफ हिज फियर्स एट लीस्ट इन द मिड्स ऑफ द हंट। डार्कनेस से डर लगता था उसे, इसलिए वो लाइट की खोज कर रहा था, ऐसा ही बता रखा है थोड़ा बहुत। Hitting and getting back. Hitting back on hits. Got it. तो ये तो ऑलरेडी नहीं होता था हमारे पास, हमारे साथ आई मीन। हम हिट होते थे और फिर मैं वापस हिट करता था। I guess मुझे इसकी चाबी चाहिए। वो हॉली सॉर्ड वाली को तो मैं हरा दूंगा आराम से। द प्रॉब्लम इज कि वो अकेले नहीं लड़ रही, वो साथ में आंटी को ले आती है एंड वो थोड़ा सा रिस्की है। एक मिनट, इधर है ना वो, मैं उसे अट्रैक्ट करूँ क्या पहले? लेडी, उस मैजिक वाली को नहीं उठाना मुझे। बोरी yeah
वो खड़ी होगी बल्कि दूसरी वाली। वो कंफ्यूज। ओह यस यस यस, ये अच्छा है। ओह गॉड, नहीं यार वो भी उठ ही जाती है। व्हाट, इतना ही डैमेज हुआ बस? 855 ब्रो, सही में। रैट्स आ गए, शिट। थ्रू मारने की कोशिश कर रही है, कितनी हरामण है। ओह गॉड, भाग जाती है वो पीछे। व्हाट भाई, उसे लपेट लिया था मैंने। यार तुम मजाक कर रहे हो। वाओ, स्मार्ट है वैसे, हैवी मारते ही लाइट निकाल लेती है। ओह माय गॉड, वो बंदा। पैरी इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मेरे पास गन नहीं है, बुलेट्स आई मीन। मे बी उस मैजिक वाले को डिस्ट्रॉय कर दूं मैं पहले। होगा ही नहीं ना यार, वो पीछे ही तो पड़ी हुई है मेरे। भाई तो ना लाइक डबल कैसे। उसकी मेरे वाली शॉट है पर कितना डर लग रहा है। मेरी इसकी अच्छी बात है ये कि एकदम से रश करके जाती है। ओह माय गॉड, कम ऑन यार।
यार ये तो बहुत गलत बात है, वो अचानक से आ गई जब से मैं उसका इंतजार कर रहा था। शिट, कहाँ पे है वो? What the fuck? अबे यार भाई, वो तब फंस गई थी वो स्टेयर्स पे, मुझे लगा इतने में उसे मार देता हूँ, तभी आ गई वो भाग के बचाने के लिए। मैं वेट ही कर लेता, उसका बेटर रहता। वो मैजिक स्पैमर ना होती ना, फिर तो फोकस हो जाता बढ़िया। Welcome back. उसे लगी नहीं? Bro, ये क्या बात हुई कि वो मेरे स्टैगर में ही मार जा रही है मेरे को? उसके बारे में कैसे भूल सकते हैं हम? ऑब्वियसली 1 HP है वो शुभम, कम ऑन। यस, आई होप ये परमानेंटली चली गई हो। कुछ बढ़िया ही मिला, परमानेंटली चली गई आई थिंक। लेट्स गो, उसे मारते अब। अब क्या तेरी बॉडी गार्ड ना है अब? ब्लड ड्रैग ही दे रहे हैं दोनों। 10, वेरी नाइस। यहाँ क्या सीन है बताओ अब? रिमेंबर स्पेशल आइटम एंड हिडन पाथ वेट्स अहेड। देयर इज अ होल इन द स्कल। ओके, कौन सा स्पेशल आइटम? मुझे कोई स्पेशल आइटम नहीं मिला। आई गेस आगे जाके मिलेगा। व्हाट इज दिस? आई थिंक ये रैट्स इधर ही रहेंगे। नहीं, वो लाइट में आ सकते हैं, मुझे लगा उन पे जादू वादू लगा हुआ है। क्या बड़ा इससे?
Special item and hidden path waits ahead. Special item क्या है? Inside बड़ा है ना, मेरे को भी यही लग रहा है. दोबारा करके देखूं. एक चीज और है मेरे पास. Root of man's impurity rides within filth. A centipede like creature discovered on successful hunts by league hunters. इनके डिस्क्रिप्शन भी इतने कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं कि यूज करने में भी डर लगता है कि पता नहीं होगा क्या उससे. समझ रहे हो? मुझे आई गेस कोई आइटम चाहिए यहाँ पे आने से पहले. आई थिंक मेरे को उसका डायलॉग सुनना चाहिए. आई थिंक ये बोलता है, उसका हिंट देता है वो. Skull of Lawrence. वो है कौन पता तो चले. ओ 30,000 ब्रो. एग्जीक्यूशनर से फाइट करूं पीछे जो है. व्हाट, ये चीज तो कोई सेंस नहीं बनाती. रैंडम एस एनिमी है वो तो. उसके पास कल मिलेगा मेरे को सही में. बॉस फाइट के बराबर है वो फाइट. यही तो है एग्जीक्यूशनर. बच गया. वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. वो जान बुझो कितना स्मार्ट है. ब्लास्ट कर रहा भाई. ओके हरा दिया फाइनली. लेकिन सिर्फ बुलेट्स मिली हैं इससे. वो वाला उसको हराना है क्या? वाओ व्हाट. Yeah.
बेल बजा रहा है। Bro, what the fuck? No! मरने ही वाला था वो। समझा, बिकॉज मैंने वहां पे एक्सप्लोर नहीं किया था, दैट्स वाई। समझा मुझे कहां जाना है। ट्वेंटी बुलेट्स हो गई मेरे पास ऐसे ही उन दो बंदों को मार के। टफ था वो वैसे बंदा। काफी खुलता है गेट। यही है वो एग्जीक्यूशनर बंदा जिसे मारना है मुझे। ओ भाई बिठा दिया। ओला बिठा दिया था वैसे मैंने उसे। मानना पड़ेगा तुम्हें। नो फक। वो अपनी जादू भी नहीं कर पाया ब्रो। अबे यार फक क्यों ना मारने देना भाई। कितना सेटिस्फाइंग था वो। चल गया तुम भाई। वो तो बहुत सेटिस्फाइंग था लेकिन इसे स्कल नहीं मिला। बट लेट्स गो अहेड। मे बी यहां पे मिलेगा मुझे स्कल बाबू। दैट्स अ बॉस मुझे लग रहा है। या फिर वो अमीलिया है मरी हुई। पता चलेगा अभी। ओ मरी हुई है वो या। इसकी बॉडी यहां किसने रखी। आई पेंडेंट आई गेस मेरे को यही चाहिए था। मैंने ये पार्ट एक्सप्लोर नहीं किया था ना। ये बेकार में डर रहा है। मेरे पास तो लैंटर्न भी नहीं है। बहुत सैटिस्फाइंग वेपन है यार ये। मैंने गड़बड़ कर दिया एक्चुअली। मेरे को यहां नहीं आना था क्योंकि यहां पे कुछ है ही नहीं। लड़ाइयां छेड़ दी भाई मैंने तो सबके बीच में।
वाओ क्या 360 मारा उसने। भाई ये जिंदा आ गया मैं वापस भाई, कमाल ही हो गया। एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कभी भी मरने को। PS5 है मेरे पास। सो क्या पेंडेंट मेरे को वापस मिल जाएगा? कितना सही लग रहा हूं मैं, अमीर घर का जो वो होता है ना, बिगड़ा हुआ लड़का। तो वापस जा रहा है। रिसर्च हॉल व्हाट? ये तो रिसर्च हॉल आ गया है। यहां पे भी दो बॉस हैं बट ये तो न्यू एरिया है बिल्कुल। मैंने एक बॉस मिस कर दिया, इसका मतलब यहां पे The skull is a symbol of Lawrence past and what he failed to protect. He is destined to seek his skull, but even if he found it, it could never restore his memories.
In reality, he became the first cleric beast and his human skull only exists within the nightmare. Oh! तो क्लेरिक बीस्ट जो नंबर वन बॉस था हमारा वो ये था, लॉरेंस नाम है उसका। ओके कितने घूमे फिरे बॉस हैं, इधर जाओ उधर जाओ, स्कल कलेक्ट करो, पेंडेंट कलेक्ट करो, इसका भी पता नहीं क्या सीन है। उससे बॉस फाइट ट्रिगर होगी ना, आई थिंक। इलेवन ओ क्लॉक हो रखा भाई आज के लिए, बस इतना ही। अब क्योंकि हमें पता ही है बॉस फाइट नेक्स्ट है तो यू नो वो करेंगे हम। नाइट हो गई है बहुत। मूनलाइट सॉर्ड मिल सकती है हमें, आई डोंट नो कैसे, बट मुझे पता है मिल सकती है। बट आई डोंट थिंक मैं और कोई वेपन यूज करने वाला हूँ, ये बेस्ट लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा वेपन है ये, फन है, कूल दिखता है एंड डैमेज अच्छा है। जैसे ही हमारे 60 इनसाइट होने ही वाले हैं हमारे, तो वो जैसे ही हो जाएंगे फिर हम इसको फुली अपग्रेड करके फिर फाइट करेंगे उससे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कल मिलते हैं। ब्लड बॉर्न की DLCs टाइम लगाएंगी एंड देन हम फाइनल बॉसेस करेंगे और डंजन बॉसेस भी। तो या तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, सायोनारा, लीव अ लाइक, गुड नाइट। Thank you.